नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। 7 और 8 दिसंबर से छत्तीसगढ़ का सभी करंट अफेयर को पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए, आपके CGPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्नों को देखते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ से 3000 से अधिक विद्यार्थियों को किस अवार्ड के लिए सन 2019-20 के लिए जो है चयन किया गया है। तो यह इंस्पायर अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ से जो है 3000 से अधिक यानी 3078 विद्यार्थियों को चयन किया गया है छत्तीसगढ़ से इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत। और यह अवार्ड जो है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा यह दिया जाता है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के पहली किन्नर दिनेश मालती को, यह दोस्तों महापौर है, यह पार्षद के लिए है, यह गलती से टाइपिंग हो गया था, जिसमें किस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, पार्षद के लिए किस पार्टी ने जो है टिकट दिया है। तो यह कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जो है टिकट दिया है। और यह नगरीय निकाय चुनाव के लिए कोरबा से टिकट दिया है। और इससे पहले रायगढ़ में भी एक उम्मीदवार जो है निर्दलीय उम्मीदवार मधु किन्नर को जीत मिला था, वह निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा था, महापौर बना था। मालती को कोरबा के वार्ड 2 साकेत से कांग्रेस ने उनको टिकट दिया हुआ है। इसे प्रश्नों को देखते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर देश भर में GST रिटर्न दाखिल करने वालों शहरों के मामले में किस स्थान पर है। तो यह दूसरे स्थान पर है। बड़े बड़े शहरों को पछाड़कर हमारा राजधानी रायपुर जो है GST दाखिल करने के मामले में द्वितीय स्थान पर आ गया है, जिसमें प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंसी ने दिल्ली मुख्यालय से इसको जो है जारी किया, जिसमें प्रथम स्थान पर भोपाल है, द्वितीय पर रायपुर और तीसरे स्थान पर दिल्ली है। और इसके पिछले वर्ष के बारे में बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर GST रिटर्न दाखिल करने के मामले में 20वें स्थान पर था। चौथे प्रश्न को देखते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक कौन जीता, किसने जीता। तो यह अश्विनी देवांगन ने इसको जो है जीता है। इसमें अश्विनी देवांगन भारतीय पावर लिफ्टिंग महासंघ और दिल्ली पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 के लिए यह दिल्ली में 24 से 27 नवंबर को आयोजित हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ से अश्विनी देवांगन ने 66 किलो वर्ग में 110 किलोग्राम लिफ्ट उठाकर रजत पदक हासिल किया। उनके अलावा एक और है जो 93 किलो वर्ग में राम नागिर ने 125 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। फिर पांचवें प्रश्न को देखते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ में जलवायु समिट में पर्यावरण के मुद्दे पर बोलेगी। तो यह दोस्तों अनीता मजूमदार है, यह भिलाई का निवासी है, जिन्हें हमारे भारत के लिए भारत की तरफ से भिलाई से अनीता मजूमदार संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु समिट स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जलवायु समिट होगा, जिसमें 200 देशों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होंगे। और यह जो 5 दिसंबर को हुआ, इसमें मुख्य वक्ता के रूप में पर्यावरण के मुद्दों को सुलझाने में डिजिटल तकनीक की क्या सहभागिता होगी, इस पर उन्होंने बोला। छठे प्रश्न को देखते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ में GST न्यू रिटर्न प्रणाली कब से लागू किया जाएगा। तो यह 1 अप्रैल 2020 से जो है लागू किया जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ में। और यह नए GST रिटर्न पॉलिसी एक नए तरीके से रहेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ में नए GST रिटर्न प्रणाली 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। यह नया रिटर्न प्रणाली लागू होगा। सातवें प्रश्न को देखते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कितने जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया। तो यह 9 जिलों में जो है इसका जो है गठन किया जाएगा, त्वरित अदालतों का गठन किया जाएगा। और यह जो है महिलाओं के प्रति अपराधों को देखते हुए इसका जो है निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 9 जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे, जिसमें देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को देखते हुए त्वरित अदालत का गठन किया जाएगा। इसमें जो है अंबिकापुर, रायपुर, सूरजपुर, राजनांदगांव, कोरिया, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा और बलरामपुर रामानुजगंज में इसका जो है स्थापना किया जाएगा। फिर आठवें प्रश्नों को देखते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के सांसद रेणुका सिंह ने कितने ग्राम पंचायतों को 1 साल के लिए गोद लिया। तो यह 3 ग्राम पंचायतों को लिया। यह जो है सरगुजा संभाग के अंतर्गत आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद रेणुका सिंह ने सरगुजा संभाग के 3 जिले जिसमें बलरामपुर का शंकरगढ़ विकासखंड के अंतर्गत चिरई और सरगुजा उदयपुर विकासखंड के कोरवा ग्राम को जो है लिया। इसी प्रकार सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत झूमरपारा को जो है आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया। प्रश्न को देखते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ में कहाँ सोलर पावर हब बनाया जाएगा।
तो यह सोलर पावर हब डोंगरगढ़ में इसका जो है स्थापना किया जाएगा, और यह जो है छत्तीसगढ़ में सोलर पावर हब डोंगरगढ़ में स्थापित किया जाएगा। यह सोलर हब 200 मेगावाट्स ज़्यादा बिजली देगा, जिसमें यह स्थापना जो है राज्य विद्युत मंडल और क्रेडा दोनों ही और NTPC की मदद से 2000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसके बाद इसका स्थापना किया जाए और 2 वर्ष में करीबन इसमें जो है 500 मेगावाट ज़्यादा बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य भी रखा है। फिर 10वें प्रश्न को देखते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ इनोवेशन इंडेक्स में किस स्थान पर सम्मिलित है। तो यह 15वें स्थान पर जो है हमारा छत्तीसगढ़ जो है सम्मिलित है। इसमें छत्तीसगढ़ इनोवेशन इंडेक्स सूची में 15 स्थान पर जो है 8.06 अंक के साथ 15वें स्थान पर सम्मिलित है। इसमें जो है प्रथम स्थान की बात करें तो इसमें प्रथम जो है कर्नाटक, द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और यह भारत नव परिवर्तन सूचांक 2019 को वैश्विक नव परिवर्तन सूचांक के अनुरूप इसको जो है तैयार किया गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।